हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट शेयर के बारे में। इरेडा DCX एक ऐसा भी स्टॉक है जो कि दोस्तों बोनस प्रोवाइड करवाने वाले हैं। उस स्टॉक का नाम भी मैं आपको बताऊंगा। वारी रिनेबल में भी अपडेट है, वो भी हम देखेंगे। GREC, कोचिन, HAL, डिफेंस सेक्टर के इंपॉर्टेंट स्टॉक्स को एक ही वीडियो में हम कवर कर देंगे। एंड उसी के साथ साथ रेलवे शेयर्स को भी कवर कर देंगे। एंड IRB इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक है, इसको भी हम कवर कर देंगे। तो एक ही वीडियो में टोटल डिटेल एनालिसिस यहाँ पे होने वाला है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, ये वीडियो ओनली फॉर एजुकेशन व्यू के हिसाब से है। वीडियो में किसी प्रकार की कोई भी बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ओनली फॉर मैं अपना व्यू आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले अगर बाजार की बात की जाए तो डो जॉन्स एंड डो फ्यूचर वगैरह ओवरऑल एवरेज है, पॉजिटिव है, अभी के टाइम फ्लैट है। और अगर मैं आज इंडियन मार्केट की बात करूँ तो दोस्तों निफ्टी जो है वो थोड़ा बहुत प्रेशर में रहा, बैंक निफ्टी ज़्यादा प्रेशर में रहा, क्योंकि कोटक बैंक वगैरह इनमें गिरावट हुई थी, बिकॉज़ अच्छा खासा हाई भी लगा चुके थे और एक न्यूज़ भी आई थी। अभी के टाइम अगर देखा जाए तो मार्केट जो है वो बड़े स्तर पे है, क्योंकि मार्केट इंतज़ार कर रहा है बजट से रिलेटेड कोई बड़े अपडेट की। तो उस बेसिस पे यहाँ पर जो है बजट अगर अच्छा आता है तो एक बड़ा मूवमेंट दिख सकता है। बट इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों ये रहेगी कि मार्केट आने वाले कुछ टाइम तक जो है, जब तक 24,000 के ऊपर है तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट 24,000 के नीचे आया तो फिर आपका 23,750 का सपोर्ट लेगा, फिर ऊपर जाएगा, ये चीज़ें हो सकती है। बट अभी का टाइम हमें स्टॉक पर फोकस करना है जो क्वालिटी शेयर है और जो बजट में कुछ बड़ा अनाउंसमेंट हो सकता है उनके ऊपर। देखिए दोस्तों, अगर बात की जाए IRB इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक के बारे में तो कंपनी अच्छी है, नो डाउट, अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर रही है, अपने सेगमेंट में लीडर कंपनी भी है। उसी के साथ साथ कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे आ रहे, फाइनेंशियल भी अच्छे हैं, बैलेंस शीट भी मजबूत है एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न्स भी अच्छा है। बट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पे इलेक्शंस के बाद ये जो स्टॉक है वो एक जगह पे रुक चुका है, बिल्कुल रुक चुका है। अब देखिए, जो कंपनी है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी है जिसका बजट भी अच्छा आने की उम्मीद है, तो बजट में ये कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस हमें दिखा सकती है। अभी के टाइम ये स्टॉक नॉर्मली रुका हुआ है, कंसोलिडेट कर रहा है। जैसा कि आप देखेंगे रिसेंटली 10 से 15 दिन स्टॉक जो है एकदम बिल्कुल रुका हुआ है। तो हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए इस स्टॉक में? देखिए IRB इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि स्टॉक जो है धीरे धीरे करके अपने ट्रेंड लाइन पे आ चुका है। ये एक स्टॉक की एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है। इस स्टॉक ने इस लेवल पे सपोर्ट लिया, अगेन सपोर्ट लिया एंड अभी अगेन जो है स्टॉक इस ट्रेंड लाइन पे आ रहा है। दूसरी बात, इस ट्रेंड लाइन पे बहुत टाइम से सपोर्ट ले रहा है एंड बाकी अभी अगर आप देखेंगे तो EMA को भी थोड़ा बहुत ब्रेकडाउन करने की कोशिश कर रहा है। जैसे अगर आप देखेंगे EMA के नीचे आ चुका है, इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है। अब इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जिस प्रकार से EMA के ब्रेक करके अगेन स्टॉक यहाँ पे रॉकेट बना, यहाँ पे बन सकता है, बट बजट का इंतजार रहेगा। बजट से पहले यहाँ पे कोई बड़ा मूव पॉसिबल थोड़ा कम लग रहा है। बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर शेयर है, बजट से रिलेटेड अच्छा शेयर है। उसी के साथ साथ अभी के टाइम इंपॉर्टेंट चीज़ IRB में इंपॉर्टेंट क्या है, हमारी टेलीग्राम व्यू के हिसाब से अगर एंट्री देखी जाए तो कहाँ पे बन रही है, 68 के आसपास, वहाँ से ओनली फॉर 3 रुपये ही डाउन है। अभी के टाइम इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट रहेगा वो रहेगा दोस्तों 60 रुपीज़। जब तक ये स्टॉक 60 से ऊपर है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर 60 के नीचे गया तो स्टॉक में डाउन ट्रेंड शुरू हो सकता है, जिसमें 56 रुपये के लेवल्स, 50 रुपये के लेवल्स दिख सकते हैं। और इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे 68 रुपीज़ इंपॉर्टेंट लेवल, अगर 68 के ऊपर निकलता है तो 72, 76 एंड 80 रुपीज़ के लेवल्स भी दिखा सकता है। अगला जो दोस्तों स्टॉक है वो यहाँ पर अपना डिफेंस सेक्टर के शेयर्स को हम यहाँ पे जल्दी से कवर करेंगे। डिफेंस सेक्टर में हमें देखने को मिल रहा है इंपॉर्टेंट HAL। HAL की बात की जाए तो ओवरऑल दोस्तों कंपनी अच्छी है, बट ये स्टॉक एक रेंज बना चुका है। इसकी जो ऑर्डर बुक है वो भी अच्छी है, डिफेंस सेगमेंट में नंबर 1 कंपनी है मार्केट कैप में भी, और उसी के साथ साथ ऑर्डर बुक में भी अच्छी ऑर्डर बुक है। वही अगर आप देखेंगे तो स्टॉक यहाँ पे क्या कर रहा है, स्टॉक में हमें देखने को मिला कि EMA पे सपोर्ट लेके बार बार अच्छा रिटर्न दे रहा है। EMA पे सपोर्ट लिया, अच्छा रिटर्न दिया, अगेन यहाँ पे सपोर्ट लिया, अगेन जो है शेयर भागना शुरू किया, तो अगेन यहाँ पे EMA पे सपोर्ट लिया, अगेन यहाँ पे सपोर्ट लिया एंड अगेन ये स्टॉक यहाँ पर हमें EMA के करीब जाते हुए देखने को मिलता है। उम्मीद क्या है? उम्मीद मुझे ये है, पर्सनल मेरा व्यू ये है, अभी के टाइम स्टॉक एक रेंज बना चुका है। अगर आप देखेंगे रिसेंटली कुछ दिनों से एक रेंज बना चुका है, 5,100 का सपोर्ट है, 5,450 का रेजिस्टेंट है। ब्रेकआउट हुआ तो बड़ा मूव पॉसिबल है 5,800-6,000 का, बट सपोर्ट अगर टूटा तो कितना गिरेगा? सपोर्ट अगर टूटा तो 4,800 तक गिर सकता है, जो कि EMA इसका सपोर्ट है। EMA पे सपोर्ट लेके अगेन रिवर्सल आ सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट लेवल है 5,100-5,450। अब ब्रेकआउट मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंट वो मैंने आपको बता दी है। अगला स्टॉक है दोस्तों GRAC। कंपनी को ताबड़तोड़ ऑर्डर मिल रहे हैं, शेयर रॉकेट बना जा रहा है, आज भी 4.5% भागा, कल 10% भागा। हालांकि
हालांकि अपने तो 2000 के लेवल्स पे ही निकल चुके थे। टेलीग्राम पे भी मैंने अपडेट दिया था, टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ऑलमोस्ट 1100 रुपये के प्राइस पे ये बताया था, 2000 के टारगेट्स दिए थे, ऑलमोस्ट सारे अपने हिट हुए। अब आगे क्या व्यू रहेगा, देखिए GRSE में मेरा पर्सनल व्यू क्या है, पर्सनल व्यू ये है कि अभी के टाइम इस स्टॉक का जो RSI है वो बहुत ज़्यादा हाई है। यहाँ पे बस वही लोग बाई कर रहे हैं जो लोग 1500, 1100, 1200 या फिर 1800 पे बाई नहीं कर पाए। अब वो रीग्रेट होके बाई कर रहे हैं। अब रीग्रेट होके बाई करोगे तो लॉस होने के भी फुल चांसेस है। 80 का RSI चल रहा है, जहाँ जब जब ये इसका RSI 80 पे जाता है तो गिरावट होती है। वैसे अभी रीटेस्ट होना बाकी है। अभी जैसे कि स्टॉक ने दो ब्रेकआउट दिए, एक तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया, दूसरा अभी थोड़ा रुक के यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, तो दोनों का क्या है गैप फिल करेगा, रीटेस्ट होगा तो रीटेस्ट अभी हो सकता है, एक करेक्शन आ सकता है। GRSE में अभी के टाइम मैं तो अवॉइड ही करूंगा, बाकी दोस्तों आप अपना जो भी है कर सकते हैं, बट मैं तो अगर मैंने लो पे बाई किया मैं तो प्रॉफिट बुक करूंगा, मेरा पर्सनल व्यू। एंड अगर फ्रेश एंट्री है तो मैं किसी और स्टॉक को ही ढूंढूंगा, GRSE की तरफ मैं नहीं जाऊंगा। बाकी दोस्तों आप अपना व्यू अलग रख सकते हैं, बट मेरा पर्सनल व्यू यही है। कोचिन में क्या किया जाए, देखिए कोचिन की बात की जाए तो अभी के टाइम अगर आप देखेंगे थोड़ा प्रेशर में, स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है ओनली। स्टॉक के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट कौन सा है, सपोर्ट आपके लिए बनेगा 2100 का। 2100 के जब तक ऊपर है तब तक कोई प्रॉब्लम है नहीं, अगर इसके नीचे आया ट्रेंड होगा डाउन और स्टॉक EMA पे सपोर्ट लेगा जो कि होगा 1800 पे। उसी के साथ साथ यहाँ पर रेजिस्टेंट में है 2400 लेवल, टूटा नया हाई लगाएगा 2600 2800 तक के। अगला जो दोस्तों स्टॉक है वो है आपका DCX सिस्टम। अब DCX सिस्टम दोस्तों टेलीग्राम पे दिया था, आप चाहे तो चेक कर लेना, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। जैसा कि दोस्तों यहाँ पे 18 जून को अपडेट थी DCX में, ओनली फॉर एजुकेशन व्यू के हिसाब से पेपर ट्रेड DCX लुकिंग गुड 360-380 ब्रेकआउट लेवल है 390। 360 रुपीज़ के प्राइस पे उस टाइम स्टॉक क्या कर रहा था दोस्तों, ट्रेड कर रहा था। जैसे कि आप इसका प्राइस भी चेक कर लीजिए 366 रुपीज़। वहाँ से स्टॉक क्या बना, रॉकेट बना। लेवल्स कौन से थे, 400, 420, 450 के आसपास ऑलमोस्ट ये स्टॉक पहुंचा। तो आप चाहे तो दोस्तों टेलीग्राम में ज्वाइन हो सकते हो, लिंक आपको टेलीग्राम की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया, स्टॉक में हुआ ये है कि कंपनी को आज एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला, 1250 करोड़ का ऑर्डर मिला और अपने जितने भी टारगेट्स थे 450 के आसपास ऑलमोस्ट हिट किए, 440 का टारगेट हिट किया। तो अब यहाँ पे मेरा पर्सनल व्यू यही है कि दोस्तों मुझे 15% मिल चुका है, मैं खुश हूँ, मुझे 15% मिल चुका है, मैं बुक करूंगा। आपका व्यू अलग हो सकता है, बट अगर देखा जाए DCX में हमें क्या करना है, 360 की एंट्री थी, हम वेट कर रहे हैं, कोई भी 500 का वेट कर रहा है, तो उसको 400 का क्या करना है, स्टॉप लॉस लेके चलना है, 400 का स्टॉप लॉस लेके चलना है। रीटेस्ट कर सकता है, रीटेस्ट के बाद अगेन रिवर्सल आ सकता है, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है, बट SL के साथ हमें काम करना है हमेशा। अगला जो दोस्तों स्टॉक है रेलवे में, रेलवे में क्या किया जाए, रेलवे की दोस्तों अगर बात की जाए तो यहाँ पर अभी के टाइम IRFC में इंपॉर्टेंट चीज़ यही है, IRFC यहाँ पे सपोर्ट लेगा जो कि कौन सा लेवल है, 168 का, 168 के ऊपर है तब तो ठीक है, और सपोर्ट लेके अगेन रिवर्सल की संभावना है। बाकी इंपॉर्टेंट है कि आप IRFC से थोड़ा फोकस हटा के इरकॉन की तरफ आइए तो बेटर रहेगा, क्योंकि IRFC में OFS का भी डर है, PE भी हाई है। RVNL की बात की जाए, रेल विकास निगम जोन बना चुका है 400 का लेवल, ब्रेक होता है तो अगेन ये शेयर 375 के लेवल पे आ सकता है। रेजिस्टेंट ऊपर के लेवल में 245 का हो चुका है, ब्रेक हुआ 450-500, बट ब्रेकआउट इंपॉर्टेंट है। अभी क्या हो चुके हैं, कंसोलिडेशन जोन बना चुके हैं, जिस डायरेक्शन में ब्रेकआउट होगा उस डायरेक्शन में फटेगा। इरकॉन की बात की जाए, कंपनी अच्छी है, PE भी कम है अभी के टाइम, हालांकि कंसोलिडेशन ये भी जोन बना चुका है, बट इसमें स्ट्रेंथ थोड़ी बहुत दिख रही है। सपोर्ट है 240 रुपये का, 280 का रेजिस्टेंट है, अगर ब्रेकआउट हुआ रेजिस्टेंट फटेगा 300 रुपीज़, 320 लेवल्स दिखा सकता है, पर्सनल व्यू। अगला जो दोस्तों स्टॉक है इरेडा। अब इरेडा में दोस्तों यहाँ पर दो तीन दिन पहले भी मैंने टेलीग्राम पे भी अपडेट दिया था, अभी भी मैं आपको देता हूँ। इरेडा में न्यूज है, पहली न्यूज है कंपनी FTSE इंडेक्स में कंपनी शामिल हो चुकी है, कंपनी में बड़ा फंड आया, इस वजह से स्टॉक में 5-6 दिन 10 दिन पहले की स्ट्रेंथ दिखी थी। दूसरी न्यूज ये है कि यहाँ पर जो बजट आने वाला है उसमें इरेडा में टैक्स की छूट मिलेगी, जो ये कंपनी यहाँ पर काम करती है दोस्तों रिनेबल में फाइनेंस का, तो उसमें टैक्स की छूट मिलेगी जिसके लिए कंपनी फ्यूचर बेटर है। तीसरा हमें अपडेट देखने को मिला, कंपनी ने Q1 के रिजल्ट्स दिए, बिजनेस अपडेट दिए, बेटर आए, अच्छी ग्रोथ थी, 33% यहाँ पर जो है कंपनी का लोन बिजनेस ग्रोथ हुआ है, इससे उम्मीद ये है कि रिजल्ट अच्छा आ सकता है। चौथा अपडेट ये है कि यहाँ पर कंपनी में FPO आ सकता है, प्रोमोटर्स का कहना है कि यहाँ पे FPO लाएंगे जो कि 5000 करोड़ की FPO की वैल्यू रहेगी, बढ़िया अपडेट है।
इसी वजह से एक्सपर्ट के टारगेट निकल के आ रहे हैं 240-250 रुपीज़ बजट तक, तो ये भी अच्छी खबर है। एक्सपर्ट भी बुली से सेटअप बना यहाँ पे अपना, वीसीबी सेटअप भी बना वॉल्यूम वाला, एनओसी के साथ साथ अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट भी दे दिया, ईएमए के भी ऊपर है। ये चीज़ मैंने आपको 180 रुपये के प्राइस पे भी बता दी थी। नेक्स्ट रेजिस्टेंट है 215 रुपये, लेवल टूटा 220-240 के लेवल दिखा सकता है। लास्ट आधे घंटे में बड़ी वॉल्यूम हमें देखने को मिली, करोड़ों शेयर की बल्क डील भी हुई है। अगला जो दोस्तों स्टॉक है वो है बोनस वाला, सुकुमा एक्सपोर्ट। अब ये जो कंपनी है वो यहाँ पे प्रोवाइड करवाने वाली है बोनस शेयर। अब ये बोनस शेयर किस हिसाब से होंगे, 4:1 के बोनस शेयर होंगे। अगर आपके पास इस कंपनी का एक शेयर होगा तो उसके बदले 4 शेयर आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे, मतलब कि 4 + 1, 4 तो एक्स्ट्रा मिलेंगे, एक आपके पास पहले से है, मतलब टोटल 5 शेयर हो जाएंगे। ओनली फॉर ये न्यूज़ था, कोई बाई एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है। ऐसा नहीं कि मैंने बोनस का बोल दिया आप अंधाधुंध बाई करो, रिसर्च कीजिए तभी पैसा बनेगा, बिना रिसर्च टिप के भरोसे चलेंगे कंसिस्टेंसी बिल्कुल नहीं रहेगी, लॉस भी हो सकता है। मनी मैनेजमेंट रिस्क मैनेजमेंट सीखिए, पैसा बनेगा। बाई एंड सेल रिकमेंडेशन यहाँ पे मेरी किसी प्रकार की है नहीं, ओनली फॉर एजुकेशन व्यू के हिसाब से वीडियो था। एंड अगला जो दोस्तों स्टॉक अपना रहने वाला है वो है वारी रिन्यूएबल। बोनस का स्टॉक मैंने आपको बता दिया बोनस वाला। वारी रिन्यूएबल की बात की जाए तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट अपडेट किया है, इंपॉर्टेंट अपडेट ये है कि स्टॉक जो है वो ईएमए के नीचे है, ब्रेकडाउन दे चुका है और अगेन आज ऊपर जाने की कोशिश किया बट अगेन ईएमए पे रेजिस्टेंस फेस करके अगेन गिरावट कंटिन्यू कर चुका है। वारी में प्रेशर रहेगा, वारी में ऐसा नहीं है कि पहले जैसे अपर सर्किट लगते थे वैसे भी स्टॉक एक दिन अपर सर्किट लगाए दूसरे दिन अगेन लोअर सर्किट लगा देगा, यही चीज़ें मतलब कंसोलिडेशन करेगा, गिरावट कंटिन्यू हो सकती है। अगर ये स्टॉक लेवल तोड़ता है 1850 का, लेवल टूटा तो 1600 का लेवल्स भी दिखा सकता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है।